तो ये किसी जातिका की कुंडली है जातिका की राशि सिंह है और लगन कन्या है नक्षत्र उत्तरा फागुनी नक्षत्र है कुंडली मांगलिक है प्रथम लगन भाव में मंगल होने से व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है बहुत ज़्यादा मेहनती होता है जिस कार्य को कोई भी ना कर सके वह कार्य ये जातक कर देगा लेकिन जिस बात की जिद करेगा उसे पूरा करवा कर ही छोड़ेगा और क्रोधी स्वभाव का होगा मंगल की सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है दाम्पत्य जीवन में भी क्रोध मतलब पति पत्नी की अनबन रहेगी लग्नेश दूसरे भाव में बैठा है केतु के साथ है यानी धनेश भाव में केतु के साथ बुध बैठा है ऐसा व्यक्ति धनवान तो बहुत होगा केतु के, के कारण व्यक्ति की भाषा थोड़ी कठोर होगी दूसरे भाव से हम कुटुंब के बारे में भी विचार करते हैं और धन के बारे में भी ऐसा व्यक्ति धनवान तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ी अपने कुटुंब कुटुंब के लोगों से अनबन रहती है लेकिन ऐसा व्यक्ति परिवार का हमेशा भला चाहेगा चाहे वह कुटुंब के लोगों से भाषा में कैसा भी हो लगन का स्वामी धन भाव होने से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शिक्षा भी प्राप्त करेगा क्योंकि बुद्ध उच्च का है शिक्षा के माध्यम से बहुत ही धन कमाता है ऐसे व्यक्ति को अध्यापन का कार्य बहुत ही अच्छा रहता है ऐसा जाता सुगंधित वस्तुओं का भी व्यापार कर सकता है तृतीय स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं सूर्य अपनी मित्र राशि मंगल के घर में स्थित है ऐसे जातक को अपने परिवार से भाई बहनों से सहयोग मिलेगा क्योंकि तीसरा घर छोटे भाई बहन और पराक्रम का भी है ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी होता है अपने पराक्रम से ही अपनी जीविका चलाता है तीसरे भाव पे गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं ऐसे जातक को अपने पिता के घर से हर संभव मदद मिलेगी लेकिन शुक्र निर्बल है ऐसे जातक को अपने जीवन में सुख सुविधा कम मिलती हैं और पति का सुख भी कम है सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से अपने शत्रु सूर्य की राशि को देखते हैं जो कि भाग्य को कमजोर करते हैं चौथे स्थान का मालिक गुरु एकादश भाव में है लाभ के घर में बैठा हुआ हुआ है गुरु सप्तम भाव का भी मालिक है गुरु चौथे और सप्तम भाव का मालिक होगा जातक को पिता और पति के घर से लाभ प्राप्त करवाएगा गुरु उच्च का है ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है गुरु की महादशा में व्यक्ति को भवन वाहन आदि सभी चीजों का सुख प्राप्त होगा पांचवें घर का मालिक शनि षष्ठ भाव में है यानी छठे भाव में बैठा है पांचवें घर का शनि देर से संतान देता है लेकिन संतान अवश्य होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे है इसलिए संतान सुख तो अवश्य मिलेगा चाहे भले ही देर सवेर हो जाए छठे घर का शनि अपनी राशि में स्थित है ऐसा जातक शनि की महादशा में अत्यंत धनवान होगा ऐसा जातक धनवानों में गिना जाता है शनि अति विशिष्ट होकर बैठे हैं ऐसे जातक के शत्रु तो बहुत होंगे लेकिन जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे शत्रु हर समय परास्त होंगे ऐसा जातक कभी कभार ऋण भी ले सकता है लेकिन एक ही बार में सदा सारा ऋण चुका देगा ऐसे जातक का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता हाँ कभी कभार मानसिक परेशानी बनी रहेगी क्योंकि शनि की सातवी दृष्टि चंद्रमा पर है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी हमेशा बनी रहती है ऐसे दिमाग, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ऐसा जातक शनि की महादशा में ममता से दूर होगा घर गृहस्थी में भी रहकर उसे किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होगा ऐसा जातक बहुत रोपकारी होता है और इसमें ऐसे जातक में त्याग की भावना बहुत ज़्यादा होती है ये अपनी किसी भी चीज़ को बिना झटके ही किसी को भी देने में संकोच नहीं करता ऐसे जातक की आयु बहुत लंबी होती है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आयु भाव पर पड़ती है गुरु एकादश भाव में उच्च होकर बैठे हैं ऐसे जातक को मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है ऐसा जातक दयालु होता है परोपकारी होता है चंद्रमा अपने बारहवें भाव में है ऐसे जातक को धन तो बहुत अधिक खर्च करता है लेकिन जब भी धन खर्च करेगा अच्छे कामों में करेगा ऐसा जातक दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन तक दे सकता है कुल मिलाकर जन्मपत्र शुभ ही है